नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 23 जून से नगर निगम शहरवासियों को तोहफा देने जा रही है। अब पैदल राहगीरों को शहर में सिटी बस की सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान निगम कमिश्नर इक्षित गढ़पाले ने बसों की रूट की जानकारी दी और 23 जून से उन्होंने सभी से इस बस सेवा का उपयोग करने की अपील भी की। वहीं इससे पहले विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, महापौर कांता सदरंग, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, कमिश्नर इक्षित गढ़पाले सहित सभी सभापति और पार्षदों ने सिटी बसों में बैठकर इनका ट्रायल लिया और बसों के रूट को देखा। इन बसों में सीसीटीवी, जीपीएस सिस्टम और टेलीविजन लगाए गए हैं। साथ ही इन सिटी बसों से महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के माध्यम से इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। सिटी बस हमारी दो अभी आ गई है जो हमारे शहर में चलेगी। इसके अलावा दो दिन के अंदर हमारी 10 बस और आ जाएगी, तो 10 बस का लोकार्पण कार्यक्रम 23 तारीख को किया जाएगा और 1 जुलाई से पूरी हमारी 36 बसें आ जाएगी, जो कि शहर के अंदर और शहर से बाहर दूसरे शहरों में भी चलना प्रारंभ होगी। यह मुख्य उद्देश्य था कि आपको इस बारे में जानकारी दे दें, डिटेल बता दें। मैंने फोल्डर में इसमें कितने फेरे होंगे, रूट चार्ट और किराए की भी मैंने इसमें जानकारी दे दी है, जो कि 0 से 5 किलोमीटर तक के दायरे में जो है, 0 से 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में 5 रुपए लगेगा, उसके बाद 10, 15, 20 इस तरीके से हमने बायफरकेट किया है। भारत के लोगों के दिलों पर छाए योग गुरु बाबा रामदेव ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बनने के बाद दूर संचार क्षेत्र में कदम रख दिया है, जिसकी शुरुआत बाबा रामदेव ने BSNL के साथ गठबंधन करके की है। इस गठबंधन के साथ बाबा रामदेव ने स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड को लॉन्च किया था, जिसे आज छिंदवाड़ा में भी लॉन्च कर दिया गया है। इस अवसर पर समाज सेवी और भाजपा नेता विवेक साहू उपस्थित रहे। इस सिम कार्ड में 144 रुपए के रिचार्ज के साथ देश भर में असीमित कॉल, 2 GB डेटा पैक और 100 SMS का प्लान दिया गया है। प्रारंभ में सिम कार्ड के प्लान का लाभ केवल पतंजलि के कर्मचारी और पदाधिकारी उठा सकेंगे, इसके बाद ही इसके प्लान आम लोगों को दिए जाएंगे। देखो, स्तर में अलग अलग स्तर में लोगों ने स्वदेशी को लेकर के बातें करी, लेकिन स्वदेशी को लेकर के सिर्फ बातें हुई, किसी ने उस सोच के साथ कि हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर के आए स्वदेशी का, वो किसी ने प्रयास नहीं किया। लेकिन पतंजलि के द्वारा या सद्य रामदेव बाबा जी, आचार्य श्री बालकृष्ण जी द्वारा यह प्रयास किया गया और आज वो रंग ला रही है। कलेक्टर वेद प्रकाश ने आज समय सीमा की बैठक में लंबित पत्रों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों पत्रों पर ध्यान देकर सभी का 1 सप्ताह में निराकरण करें। उन्होंने CM हेल्पलाइन, जनसुनवाई, जन शिकायत और 300 दिन से अधिक के लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय कर्मचारियों और अधिकारियों के 7वें वेतनमान की मांग को आज सरकार ने मान लिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई। प्रदेश में 378 नगरीय निकायों के 35,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जिले में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस संदिग्धों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर आज अमरवाड़ा में मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में संदिग्ध ने 3 वाहनों की चोरी की बात बताई, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ भोपाल के तत्वाधान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 16 सूत्री लंबित मांगों को लेकर जेल बगीचे परिसर में कर्मचारियों का आमरण अनशन जारी है, जिसमें जिले में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित कर्मचारी, अंशकालीन भृत्य शामिल हो रहे हैं। आज धरना स्थल पर डॉक्टर MK मौर्य, राकेश श्रीवास्तव, रमेश शर्मा, भुवन मालवी, मंजू रांगडाले, संगीता डोले, गोविंद सिंह और पदाधिकारी शामिल हुए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MS TV। नमस्कार।